नमस्कार, संसदीय खबरों से जुड़े साप्ताहिक कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में बात करेंगे बजट सत्र के पहले चरण की। बजट सत्र के पहले चरण का समापन हो गया है। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले चरण का समापन शुक्रवार को हुआ, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शनिवार को समाप्त हुई। बजट सत्र में इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इसके साथ ही आम बजट 2020-21 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने चीन के मुद्दे पर जानकारी दी। इसके बाद ही बताएंगे इस दौरान किन अहम बिलों को दोनों सदनों से पारित किया गया है। साथ ही बात होगी संसदीय कामकाज और विधायी कामकाज से जुड़ी अहम खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। राज्यसभा के 253वें सत्र का समापन शुक्रवार को हो गया। कामकाज के लिहाज से बात करें तो बजट सत्र का पहला चरण बेहतरीन रहा। इस दौरान कामकाज की उत्पादकता करीब 100% रही। सदन में इस दौरान शून्यकाल और विशेष उल्लेख के दौरान जनहित से जुड़े 88 मुद्दे उठाए गए। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा, जो कि 8 अप्रैल तक चलेगा। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, शुक्रवार को राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हुआ। बजट सत्र के पहले चरण की उत्पादकता करीब 100% रही। इस दौरान सदन में बेहतरीन कामकाज हुआ। इस हफ्ते उत्पादकता 114% रही, वहीं पहले हफ्ते में उत्पादकता 82% रही थी। बजट सत्र के पहले चरण के लिए कुल 45 घंटा 34 मिनट समय निर्धारित था और सदन की कार्यवाही 45 घंटे 23 मिनट तक चली, यानी अवरोध की वजह से सिर्फ 11 मिनट का नुकसान हुआ। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान 26 घंटे 30 मिनट तक चर्चा हुई। कुल चर्चा का 58.4% समय धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा में लगा। धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा में 98 सदस्यों ने हिस्सा लिया। पहले हफ्ते अवरोध की वजह से 4 घंटे 24 मिनट का नुकसान हुआ था, लेकिन इसकी भरपाई दूसरे हफ्ते में ज्यादा देर तक कार्यवाही चलाकर पूरी कर ली गई। दूसरे हफ्ते में सदन की कार्यवाही निर्धारित समय से 4 घंटे और 13 मिनट ज्यादा चली। I am happy to inform you that this part of the session has been quite productive with the house clocking 99% productivity. House, the productivity of the house during this week has been 113% as against the productivity of 82% during the first week. As against the total scheduled time of 45 hours 4 minutes, net of only 30 minutes have been lost due to disruptions. This part of the session has been one of the debate and discussions with a total of 27 hours and 11 minutes, accounting for over 60% of the total functional time spent on discussing motion of thanks to the President and the General Budget for 21-22. About 100 members spoke on these two subjects alone. As against the total loss of 4 hours 24 minutes during the first week, the members sat for an extra 3 hours 54 minutes during the second week. पहले चरण में राज्यसभा में शून्यकाल और विशेष उल्लेख के दौरान जनहित से जुड़े 88 मुद्दे उठाए गए। इनमें शून्यकाल के दौरान 56 मुद्दे और विशेष उल्लेख के दौरान 32 मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान 55 तारांकित सवालों के मौखिक जवाब दिए गए। इस दौरान सदन में 3 विधेयक भी पारित हुए। इनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021, महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। 3 बिल्स वर पास्ड, द J&K रीऑर्गेनाइज्ड अमेंडमेंट बिल, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजंस अमेंडमेंट बिल 2021 एंड द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020। सभापति ने बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने से पहले सदस्यों से सभी स्थायी समितियों की बैठक में शामिल होने की अपील की। Still have to go for the second part. I only appeal to the members not to miss
एनी स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स, प्लीज सी टू इट दैट यू अटेंड ऑल द स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स एंड मेक कंट्रीब्यूशन ऑल्सो। सभापति ने सदन की कार्यवाही 8 मार्च सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बजट का दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होना है। The House stands adjourned till 9 a.m. on Monday, the 8th March 2021. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वही लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण का समापन शनिवार को हो गया। कामकाज के लिहाज से बात करें तो उत्पादकता अच्छी रही, बेहतरीन कामकाज हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आम बजट 2020-21 पर चर्चा का जवाब दिया। लोकसभा से इस दौरान अहम विधेयक भी पारित किए गए। राष्ट्रपति अभिभाषण पर 16 घंटे 39 मिनट सदन चला। 130 माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखी। बजट पर चर्चा 10 घंटे आवंटित थी, उसके बाद भी 14 घंटे 40 मिनट तक बजट पर चर्चा हुई और 117 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में जवाब दिया। उन्होंने इस दौरान अर्थव्यवस्था, किसानों के मुद्दे और आत्मनिर्भर भारत पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को दुनिया में आशा की एक नई किरण जगाने वाला और आत्मनिर्भर भारत को सही दिशा दिखाने वाला बताया। आइटम नंबर 19 माननीय प्रधानमंत्री जी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की ताकत से जुड़े सभी पहलुओं को सदन के सामने रखा और किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानून से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे, ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून बनने के बाद पहले से मौजूद मंडी और MSP व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही किसान के किसी हक को कम किया गया है। पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो, ये तो ऑप्शनल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को ऐसे मुद्दों पर भय पैदा करके गुमराह किया जा रहा है जो हुआ ही नहीं है, और आंदोलनजीवी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यवस्था में सरकार की नई पहचान बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल देने की बात कही। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं।
भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा और जिसकी रगों में सर्वे सुखिनः भवन्तु का मंत्र जड़ा हुआ है, वो जितना सामर्थ्यवान होगा मानव जात के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई, लेकिन किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर चुप्पी रही। उन्होंने कहा कि मूलभूत मुद्दे पर चर्चा होती तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की, वहीं सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त किया कि MSP है, था और रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों को बातचीत का न्योता देते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। कम समय कोरोना काल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान भारत ने वैश्विक संबंधों में खास जगह बनाई। उन्होंने कोरोना काल में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राज्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अवसरों की भूमि है और अनेक अवसर भारत का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 पर चर्चा का जवाब देते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए सही करार दिया। वित्त मंत्री ने विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ये बजट समाज के सभी वर्गों के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा से प्रेरित है और देश को कोरोना काल में भी आगे बढ़ाने में सक्षम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2021-22 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना पर नियंत्रण की वजह से अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है और देश ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में जिन सुधारों का प्रावधान किया गया है उसकी वजह से भारत की दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता साफ होगा। Post-pandemic, after the contraction of the economy, the government, consulting a lot of experts, has come up with a budget which has a blend of stimulus-related efforts, and also the Honorable Prime Minister has not lost the opportunity of the pandemic to continue with the reforms. So in that way, this budget, coming as it does post a pandemic, has actually set the pace for India to become Atmanirbhar. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी जैसी चुनौती भी सरकार को सुधार पर कदम उठाने से नहीं रोक सकी है, जो देश के लंबे समय के विकास के लिए जरूरी है। APMC देश भर में कई ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं, प्रूव इवन इफ वन APMC मंडी वॉज शट, नॉट वन वॉज शट, बट यू आर स्टैंडिंग अप एंड स्पीकिंग। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है दैट 30,000 crores विच विल बी कलेक्टेड थ्रू दैट
agricultural development infrastructure cess will be actually be going to the states so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला, मगर फाउंडेशन लेते रहा फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। वही शुक्रवार को राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लाखों किसान ई नाम से जुड़ रहे हैं जिसका फायदा छोटे और मझोले किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। दिस गवर्नमेंट्स एफर्ट्स विद क्रेडिबल प्रूफ ऑफ हु द बेनिफिशियरीज आर विच आर द मेजर स्कीम्स एंड देयरफॉर व्हेन द बजटरी प्रोविजंस आर मेड इट इज मेड फॉर द पुअर दलित्स ट्राइबल्स and the students who need desperately all the benefits. And therefore, if you want to speak out, Ujjwala Yojana benefited how many women? And we've extended it to 1 crore women for whom that Ujjwala will be delivered. वित्त मंत्री ने विपक्ष के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार सभी वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है, चाहे वो गरीब हो या फिर उद्यमी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पर 60 गांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है। In spite of the various steps, obviously seen steps taken for helping the poor and needy of this country, a false narrative is created to accuse, saying, "Oh, this government works only for cronies." I just want to come up with some details before I get into some of the details in the budget to say. Houses completed under PM Awas Yojana, sir, more than 1.67 crore houses have been completed. Is that for the rich? Households which have been electrified under Saubhagya since 2017 October is more than 2.67 crores. Is that for the rich? Total value of orders placed on government e-marketplace is 8,22,077 crore, which is more than 8 trillion of rupees. Are they being given to big companies? They are being given to MSMEs. So we have helped out small and medium companies to ensure themselves getting a market. Is that for the rich and the big capitalists? वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 के बजट में गरीब, दलित, आदिवासी और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लगातार विस्तार हो रहा है और इसका लाभ गांव में रहने वाले लोगों को हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में इस हफ्ते जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर रहे नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद और उनके साथ ही 4 सांसदों को विदाई दी गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों ने अपने विचार और अनुभव सदन के साथ साझा किए। इस मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं दी। ऑनरेबल मेंबर्स, फेयरवेल टू रिटायरिंग मेंबर्स। राज्यसभा के 4 सदस्यों को बजट सत्र के पहले हिस्से में विदाई दी गई। इनमें राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद, बीजेपी सांसद शमशेर सिंह मनहास, पीडीपी सांसद नजीर अहमद लवाई और मीर मोहम्मद फैयाज शामिल हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने 4 सांसदों के योगदान की सराहना की। We bid the farewell to the leader of the opposition, श्री गुलाम नबी आजाद जी। With a heavy heart, he has been a voice of sanity in the nation's public life for the last few decades. He has served as a member of this august house for as many as 28 years and one of the veterans of this house. As the chairman, I will be missing the service of Sri Ajaj. Mir Muhammad Fayaz,
श्री शमशेर सिंह मनहास एंड श्री नजीर अहमद लावे हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेलिबरेशन ऑफ दिस हाउस बाई रेजिंग इश्यूज ऑफ रीजनल एंड नेशनल इम्पॉर्टेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की सराहना करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद अपने दल के साथ ही देश और सदन की भी उतने ही चिंता करते थे। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। अगर कुछ मना हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वो हमारे स्टेट में जो हमारे लोग बैठे हैं कोई ब्यूरोक्रेट या उनकी वजह से हुई, यहाँ से हमें कभी किसी चीज में मना नहीं किया, उसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को पूरा हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र के पहले चरण में संसद के दोनों सदनों से कई अहम विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से संबंधित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विशेष उपबंध से संबंधित और प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता देने से संबंधित विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों से कई अहम विधेयक पारित किए गए। लोकसभा से शनिवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। माननीय इस सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये तीन परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है, ये बिल से पूर्ण राज्य वापस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को AGMUT कैडर यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर में लाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 भी राज्यसभा से पारित कर दिया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। 1.35 करोड़ पीपल ऑफ दिल्ली, दोज लिविंग इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, दे विल गेट द मलकाना हक। दोज लिविंग इन झुग्गी झोंपड़ी, जहां झुग्गी वहीं मकान, इज बीइंग डन। टेंडर्स हैव नाउ बीन फ्लोटेड फॉर मोस्ट ऑफ द जेजे क्लस्टर, बट आई कैन टेल यू सर, दिल्ली इज नॉट ओनली a historical city, one of the most beautiful cities in the world. I am proud of it. I lived here, I was born here, and this is my city. But Delhi will not only benefit from the improvement in the living condition of the 1.35 crores, but that 20,000 crore Central Vista project will also make Delhi one of the finest capital cities in the world.
विधेयक में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनाधिकृत विकासों के कुछ रूपों की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण जारी रखने के लिए 2011 के अधिनियम की विधि मान्यता की अवधि को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता देने वाला महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक में प्रमुख बंदरगाह के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। ये बोर्ड मौजूदा बंदरगाह न्यासों का स्थान लेंगे। ए बिल कोई पोर्ट का प्राइवेट करने के लिए या तो प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं है, बल्कि प्राइवेट पोर्ट की कंपटीशन करके पोर्ट हमारा टिक सके उसके लिए है। क्या हम हर सेक्टर में रिफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक और ऐसा कहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, दूसरी ओर कोई भी डेवलपमेंट की बात आए तो क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? क्या प्राइवेटाइजेशन है और क्या डेवलपमेंट है? उसके बीच में जो उसके भीतर जो भेद रखा है उसको बिना समझे यहाँ कुछ भी बोल देना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। वासन जी ने क्यों विस्तार से, वासन जी पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, उसको पता है कि पोर्ट को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उसको पता है कि पोर्ट को डेवलपमेंट का वही रास्ता होना चाहिए। वो कोई मेरी पार्टी से नहीं है, सब हमने ये सब बिल बनाया। ये बिल पहले ये तो 99 से चल रहा है, उसके बाद कई बार आया कई बार गया, 2016 में फिर से वो स्टैंडिंग कमेटी में गया और स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी सिफारिश की ज़्यादातर सिफारिश हमने मान लिया है और उसमें ये स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश को मानते हुए पब्लिक कंसल्टेशन भी किया है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी किया है। ऐसा नहीं हम सब पोर्ट में गए हैं, कमेटी पोर्ट में गए, पोर्ट में जाके लेबर के साथ भी कंसल्टेशन किया है। इसके अलावा लोकसभा से मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 भी पारित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ संसदीय खबरों से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में इतना ही। बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।